करता हूँ और ये साल अच्छा ट्राई कर रहा हूँ इसलिए आज ट्राई किया हूँ। और अमान ट्रॉफी कितनी इम्पोर्टेंट थी और ये मैन ऑफ द मैच हासिल करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अमान ट्रॉफी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हम एक साल पहले भी मार चुके और हम ये भी ट्रॉफी मारने की जरूरत करेंगे। और देखिए इरफान शेख जो इतनी मेहनत करते हैं, चैलेंजर ट्रॉफी में सपना अधूरा रह गया था, क्या इस साल नए साल में एक नया तोहफा इरफान शेख को आप लोग देने जा रहे हैं कल के दिन? जी हाँ जरूर, सब लड़के मेहनत करेंगे और ट्रॉफी को जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच, ये थे दया। आइए लौट चलते हैं अब अगले मैच की तरफ। थैंक यू वेरी मच राखी बंसारी। मैच की ओर लौटते हुए मैच हम देख रहे हैं ओम साई टेमघर, खुशाल नानजी गोहिल फैन टीम ओम साई टेमघर और अंजुमन के बीच में। यहाँ पर ओम साई टेमघर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहली ओवर लेके आते हुए रफ्तार के सौदागर सुजल, इस बार गति थोड़ी स्लो की वहां पर और एक रन के साथ अंजुमन का खाता खुला और करण कासार का खाता खुलता हुआ एक रन से। चार ओवर का मैच रहेगा, दोनों टीमें इस बात का ध्यान रखें, चेसिंग एंड ड्रेसिंग कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए हमारे साथ विकी भी मारी जिसका नाम अभी सुजल, रफ्तार के सौदागर दूसरी गेंद के लिए मुड़ते हुए चार ओवर, फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया करण कासार ने, बेच दिया आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्स आर। क्यों सुजल की पहली गेंद काफी अच्छी थी, वहां पर हल्के हाथों से वहां पर करण कासार ने वहां पर खेला था। इस बार राकेश यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया उस गेंद का राकेश ने और स्वागत किया वहां पर रफ्तार के सौदागर का सिक्स के साथ और छह के साथ उनका खाता खुलता हुआ और छह के मदद से स्कोर हुआ टोटल सात रन। चार ओवर का मैच रहेगा, देखते पलटवार करते कि नहीं रफ्तार के सौदागर सुजल, फुल टॉस गेंद थी लेकिन हल्के हाथों से वहां पर खेला ऑफ साइड की दिशा में और एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, एक के मदद से स्कोर हुआ टोटल आठ रन। चार ओवर का मैच रहेगा, दोनों टीम इस बात का ध्यान रखे। इसके पहले जो मैच हुआ था सेमीफाइनल मैच, क्या मैच हुआ था, जबरदस्त मैच हुआ था दोनों टीम के बीच में, लेकिन हमें फाइनलिस्ट मतलब टीम जो पहुंच चुकी है फाइनल में अमान स्पोर्ट इस सीजन में सातवें सीजन अमान ट्रॉफी 2024 के सातवें सीजन में फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे अमान स्पोर्ट को दिखाया जा रहा है पूरी टीम को और स्पॉन्सर को, और आप देख सकते हैं कितनी खुश दिखाई दे रही है टीम क्योंकि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है अपने ही शो में अमान ट्रॉफी 2024 के ये सातवें सीजन में, पूरी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है और सेमीफाइनल मैच काफी अच्छा जीता और फाइनल में प्रवेश किया है अपने ही शो में। स्कोर पे नजर डालते बैक टू द क्रिकेट, स्कोर वाई टोटल आठ रन। रफ्तार के सौदागर एक सिक्स खाने के बाद अच्छी वापसी, फिर से मुड़ते हुए सुजल करण कासार के लिए वहां पर अच्छी गेंद डॉट गेंद के रूप में चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। यहां पर ओवर समाप्त हुई एक, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वाई टोटल आठ रन। अच्छी ओवर यहां पर दूसरी गेंद में एक बड़ा सिक्स आया था, फुल टॉस गेंद कर बैठे थे और फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया था और ग्राउंड के बाहर कर दिया था। उसके बाद अच्छा पलटवार किया सुजल ने, अच्छी वापसी की और कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए मौका नहीं दिया, लेकिन एक ओवर समाप्त हुई एक सिक्स खाने के बाद भी रन दिए टोटल आठ एक ओवर की समाप्ति के बाद। चार ओवर का मैच रहेगा, दोनों टीमें इस बात का ध्यान रखें। देखिए ओम साई टेमघर के दर्शक भी जुड़ते हुए यहाँ पर अशोक चौहान शीतला देवी के वाइस कैप्टन वो भी जुड़े हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत। और यहाँ पे देखिए विकी का भी दूसरा नाम पड़ चुका है मारी, जो शाम की खारी खाकर यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। समय के मामले में दोनों टीमें हमें सहयोग करें,
ओमसाई टेमघर अभी भेजा है यहाँ पर हिमांशु को। देखिए हिमांशु क्या करते हैं अपनी गेंदबाजी में। पहली ओवर काफी अच्छी साबित हुई, एक छक्का खाने के बाद भी केवल 8 रन खर्च किए। काफी अच्छी नंबर वन टीम के सामने ओमसाई टेमघर खेल रही है। जो हम मैच देख रहे हैं ओमसाई टेमघर और अंजुमन के बीच में, यहाँ पे ओमसाई टेमघर ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। हिमांशु फील्डिंग को थोड़ा सा चेक करते हुए यहां पर मुड़ते हुए अपनी पहली डिलीवरी के लिए हिमांशु आशापाटिल स्टैंड की ओर से। इस बार अच्छी गेंद, गेंद को छोड़ दिया वहां पर, अटेम्प्ट भी नहीं किया वहां पर, उस गेंद को डॉट गेंद के रूप में चली गई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। काफी अच्छी टीम ओमसाई टेमघर और नंबर वन टीम के सामने खेल रही है अंजुमन। खुशाल नानजी गोहिल फैन टीम करता धरता इस टीम के ओमसाई टेमघर के, फिर से मुड़ते हुए हिमांशु। इस बार रिवर्स खेला वहां पे गैप की दिशा में, गेंद जाती हुई काफी दूर से दौड़ लगाई वहां पर खिलाड़ी ने और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, चौका। ये सही बात है, इस खेल का क्या कहना। और चौका आता हुआ यहाँ पे चौके की मदद से स्कोर वाइज टोटल 12 रन यहाँ पर देखते हैं। दूसरी गेंद में चौका यहाँ पर निकला है। अगली गेंद फिर से हिमांशु मुड़ते हुए आशा पटेल स्टैंड की ओर से, इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंद एक चौका खाने के बाद अच्छी वापसी वहां पर, कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं हुआ गेंद और बल्ले का और शरीर को टकराई थी गेंद, कोई रन नहीं आया उस गेंद में। देखिए गेंदबाज वही होता है कि एक बड़े शॉट खाने के बाद अलग वेरिएशन गेंद करे और उस गेंद को चेंज करे, गति परिवर्तन करे और वापसी करे। फिर से मुड़ते हुए हिमांशु, इस बार वहां पर खड़े खड़े खेला वहां पर रोहित मौजूद, एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, कोई वहां पर गुंजाइश नहीं कि दूसरा रन ले। अच्छा थ्रो वहां पर रोहित के द्वारा। 4 ओवर का मैच रहेगा, देखते हैं कि एक नंबर वन टीम अंजुमन कितना रनों का टारगेट रखेगी ओमसाई टेमघर के सामने। ओमसाई टेमघर के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है वहाँ पर, किशोर, आदर्श, मंगेश, सोनू, साहिल। यहाँ पर थोड़ी नीचे गेंद रखी थी और एक एक रन के साथ अंजुमन आगे बढ़ती हुई इस एक के मदद से स्कोर हुआ है टोटल 14 रन, 14। देखिए अब तक यहाँ पर हम देखे सुजल की दूसरी गेंद में बड़ा शॉट आया था, सिक्स आया था, उसके बाद अभी तक बल्लेबाज को रोके रखा है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होगा। इसके बाद भी दो ओवर बची है, लेकिन कभी भी हाथ खोल सकते हैं अंजुमन के बल्लेबाज, काफी धुआंधार बल्लेबाज है। इस बार यहां पर गैप की दिशा में खेल दिया, दोनों खिलाड़ी के बीच में से निकलती हुई वन बाउंस बाउंड्री। थैंक यू, स्कोर वाइज चौके की मदद से 18 रन, दोनों खिलाड़ियों के बीच में से वन बाउंस निकल गई, चौके के रूप में आया ये 4 रन, 4 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है 18 पे 18। ओवर समाप्त हो चुके हैं दो ओवर की समाप्ति के बाद 18, लेकिन अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, विकेट नहीं मिली है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रहे, दोनों ही बल्लेबाज के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, करण कासार और राकेश के बीच में। राकेश के बल्ले से देखे तो 2 चौका और 1 सिक्स हमें जरूर नजर आया है। देखते हैं कि सोनू को भेजा है, सोनू क्या कौन सी डिलीवरी करते और ये बल्लेबाज को रोक के रखते हैं। 1 सिक्स आया है और 1 2 चौके जरूर 2 ओवर में हमें देखने मिले। देखते तीसरा ओवर, इसके बाद लास्ट ओवर रहेगी, 4-4 ओवर का मैच रहेगा दोनों टीमें इस बात का ध्यान रखें। सोनू मुड़ते हुए अपनी पहली डिलीवरी के लिए, सामने है करण कासा। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, बाहर निकलकर खेला वहां पर डीप मिड विकेट पर जाती हुई गेंद, एक रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी दिशा में गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर बड़ी शॉट्स खेलने के लिए, लेकिन नंबर वन टीम है, कभी भी पलटवार कर सकती है। और यहाँ पर गेंदबाजी काफ़ी अच्छी दिशा में हो रही है, अगर गेंद काफ़ी अच्छी हो तो उनका सम्मान करना भी ज़रूरी है, दैट इज़ द सेंसिबल क्रिकेट। खराब गेंदों को ये अंजुमन के बल्लेबाज कभी नहीं छोड़ेंगे।
इस बार बल्ला काफी तेजी से घूम रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी सोनू की कि इतने अच्छे बल्लेबाज को रोक के रखा है, पकड़ के रखा है, मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे बड़े शॉट्स खेलने के लिए, लेकिन एक मिलेगा। एक एक के साथ स्कोर हुआ है टोटल 20 रन बिना कोई नुकसान के। देखिए करण कासार, करण कासार रजनीकांत ऑफ भिवंडी, देखते क्या कुछ करते, एक अच्छे आतंकी बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज है। इस बार बाहर निकल के खेलना चाहा था लेकिन संपर्क टूटा वहां पर गेंद का बल्ले से, लेकिन तेज कदमों के साथ यहां पर 2 रन पूरे। यहां पे हम देखे कि कल काफी गलतियां हुई थी ओम साई टेमघर के द्वारा, जो फील्डिंग में कैचेस छूटे थे, मिसफील्ड हुई थी, लेकिन इस बार हमें नजर आया कि पूरी तैयारी के साथ उतरी है और पूरी गलतियों का अच्छा सुधार किया है ओम साई टेमघर ने, और काफी अच्छी फील्डिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर नंबर 1 टीम अंजुमन, देखते कभी पलटवार कभी करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा ओवर चल रहा है, अब तक अच्छी गेंद, मौका नहीं मिल रहा है, अभी भी 3 गेंदें बची है इस ओवर में। स्कोर हुआ है टोटल 22 रन 22, 4 ओवर का मैच। सोनू फिर से मुड़ते हुए वहां पर करण कासार, रिवर्स वहां पर खेलना चाह, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वन बाउंस, चौका आता हुआ, बाउंड्री। यहाँ पर काफी देर बाद यहाँ पर एक चौका दिखा, चौथे बॉल पे चौके के मदद से अंजुमन स्पोर्ट की गति बड़ी, स्कोर में स्कोर हुआ है टोटल 26 रन 26। तीसरा ओवर चल रहा है, यहाँ पर सोनू की काफी अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर अब तक जो रन खर्च किए 8 रन खर्च किए 4 गेंदों में, देखते कि आने वाली 2 गेंदों का ये दोनों ही सलामी जोड़ी ओपनर्स किस प्रकार सामना करेगी। स्ट्राइक पर एक करण कासार, एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, इस बार भेज दिया है, नहीं रोक पाएंगे इस करण कासार को। रजनीकांत ऑफ भिवंडी आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 आर। डीजे पप्या और 6 की मदद से स्कोर आया है 32 रन। ये है डॉन, इसको नहीं ज्यादा तक आप रोक सकते करण कासार को। रजनीकांत ऑफ भिवंडी, ये जो नाम दिया है हमारे साथी कमेंटेटर राकेब अंसारी ने करण कासार को, देखिए कब तक रोक पाओगे इस बल्लेबाज को, लेकिन वापसी करनी होगी सोनू को। 6 की मदद से स्कोर हुआ टोटल 32 रन। इस बार थोड़ी नीची गेंद रही, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, प्लेयर मौजूद रोहित। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने, इसके साथ अवध समाप्त हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ 33। अब तक विकेट नहीं मिला है ओम साई टेमघर के गेंदबाजों को, यहां पर विकेट ढूंढ रही है, लेकिन अगर देखें तो टोटल हम अच्छा देख सकते हैं यहां पर नंबर 1 टीम अंजुमन का 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ 33। अभी यहाँ पर आखिरी 6 गेंदे, यस बॉबी को भेजा है, कल आखिरी ओवर की थी और आखिरी गेंद तक मैच गई थी और अच्छी जीत हासिल की थी ओम साई टेमघर ने। देखिए हमारे साहिल चौहान भी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रही है। नवदुर्गा जो मैच खेली थी उनमें रनर अप बनी थी और उनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी रही, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे, कल भी अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। देखते कि इस बार साहिल चौहान का बल्ला क्या गूंजेगा, क्या कुछ होगा, बहुत कुछ बाकी है इस पिक्चर में मेरे दोस्त। बॉबी आखिरी ओवर लेके मुड़ते हुए, काफ़ी बड़ा रन अब बॉबी का करण कासार के लिए। इस बार अच्छी गेंद, वहाँ पर कोई रन नहीं, विकेट कीपर के पास चली गई सीधा डॉट बॉल। गति काफ़ी है इस बॉबी की ओवर में और कहीं ना कहीं वेरिएशन भी लाते हैं अपनी ओवर में।
आखिरी मुकाबला अमान ट्रॉफी 2024 का दूसरा दिन भी आज समाप्त हो जाएगा और कल का आखिरी दिन होगा और कल के दिन हमें चैंपियन टीम भी मिल जाएगी ये सातवें सीजन की अमान ट्रॉफी 2024। इस बार वहां पर खेलना चाह खींचना चाहते थे लेकिन यहां पर उनकी पारी समाप्त रजनीकांत और भिवंडी करण कासार की। बॉबी ने फंसा लिया दूसरी गेंद में क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज थे हार्ड हिटर बल्लेबाज थे। कितने रन की पारी खेली करण कासार ने टोटल 16 रन की पारी खेली और इस बार कैच दे बैठे और वहां पर साहिल चौहान थे और एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छी कैच वहां पर पकड़ी। पहला झटका लगता हुआ अंजुमन को रफीक अंसारी उर्फ बुर्रक नए बल्लेबाज उर्फ बुर्रक देखते कि क्या कुछ करते अपने बल्लेबाजी में। चौथा ओवर चल रहा है और आखिरी ओवर दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे नंबर वन टीम अंजुमन और हम मैच देख रहे ओम साई टेमघर और अंजुमन के बीच में। यहां पर चौथा ओवर चल रहा है और दो गेंदे अभी तक डाल चुके हैं बॉबी, चार गेंदे अभी भी बची है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहां पर रफीक बुर्रक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उन वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लंबे शॉट काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। देखते कि चार गेंदे ये दोनों बल्लेबाज सामना करेंगे और कितने रन निकालते अंजुमन के ये बल्लेबाज। रफीक बुर्रक के हाथ में स्ट्राइक, बॉबी मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टेन की ओर से काफी बड़ा रन आउट लेफ्ट हैंड बैट्समैन रफीक इस बार थोड़े से बाहर निकलकर खेला। क्या कुछ हुआ है अंपायर को डिसीजन देना है। काफी हवा में गेंद थी और डिसीजन आता हुआ इट्स अ बाउंड्री चौका, दोनों खिलाड़ियों को चौका दिया वहां पर और चौका निकला वहां पर। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से स्कोर हुआ है 37। देखिए इनके पास अंजुमन के पास गेंदबाजी भी काफी अच्छी है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी, लेकिन चौथा ओवर चल रहा है टोटल अगर देखे तो अच्छा टोटल हम कह सकते हैं 37। अभी भी कितने गेंदे बची है इस ओवर में, तीन गेंदे बची है, देखते हैं तीन गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक करे रफीक, अच्छा स्वागत किया, पहली गेंद का सामना किया और चौका निकाला। इस बार खींचना चाहते थे ऑन साइड की दिशा पे लेकिन वहां पे सोनू वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग अच्छा थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास। एक रन से दोनों बल्लेबाज को मन बनाना पड़ेगा राकेश और रफीक को, एक के मदद से स्कोर पहुंचा दिया है 38 रन 38। दो गेंदे अभी भी बची है, दोनों बल्लेबाज यही चाहेंगे कि दोनों गेंदों का सामना करें और मैक्सिमम निकाले और कम से कम ये 45 प्लस का टारगेट रखे। लेकिन दो गेंदों में क्या कुछ निकलेगा, नंबर वन टीम खेल रही है अंजुमन और ओमसाई काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर अंजुमन के सामने। बॉबी फिर से मुड़ते हुए अपनी फिफ्थ डिलीवरी के लिए, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद जड़ में गेंद रखी थी, एक रन से ही मन बनाना पड़ेगा राकेश को। एक के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, एक की मदद से स्कोर हुआ है 39 39। आखिरी गेंद स्ट्राइक आ चुकी है रफीक बुर्रक के पास, लेकिन देखते कि आखिरी गेंद का किस प्रकार सामना करेगी, क्या आउट ऑफ द पार्क होगी या ग्राउंड के अंदर ही गेंद रहेगी या डॉट गेंद होगी, बहुत कुछ होगा निर्भर आखिरी गेंद में। लेकिन बल्लेबाज के दिमाग में यही सोच होगी कि बड़ा शॉट निकाले आखिरी गेंद में। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद ये इनिंग समाप्त हो जाएगी। आखिरी गेंद इस बार खींचना चाहते थे लेकिन संभव नहीं हुआ ठीक तरीके से, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। दूसरे की मांग यहाँ पे रफीक बुर्रक निकल चुके लेकिन खराब थ्रो, दूसरा रन यहाँ पे पूरा किया राकेश निकल चुके तीसरे रन के लिए, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और तीन रन यहाँ पे पूरे तेज कदमों के साथ, तीन रन की मदद से टोटल स्कोर हो चुका है अंजुमन स्पोर्ट का 42। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और टारगेट रखा है ओम साई टेमघर के सामने 43। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी काफी अच्छी हुई, यहां पर टारगेट रखा है 43। अंजुमन नंबर वन टीम के पास भी अच्छे गेंदबाज है जो टारगेट को रोकने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते ओम साई टेमघर को कि उनके पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। सोनू ने कल क्या पारी खेली थी, आखिरी ओवर में 25 रन निकाले थे, देखते कि इस बार सोनू किशोर सुजल आदर्श मंगेश
क्या कुछ कर पाएंगे अपने बल्ले से और किशोर क्या मचाएंगे शोर इस बल्लेबाजी में। लौट चलते हमारी सुनहरी आवाज, खूबसूरत आवाज और सभी को प्यारी लगती है उनकी आवाज और काफी चाहने वाले हैं हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी। अंजुमन आपको जल्द से जल्द फील्डिंग लगाना है। थैंक यू वेरी मच महेंद्र बेरेडिया। आज हमसाई टेमघर के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि नंबर वन टीम को बाहर करके सेमीफाइनल के दरवाजे अपने लिए खोल ले, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। इरफान शेख जुड़ गए हैं। ओपनर बैट्समैन भेजना है ओमसाई टेमघर। टीम के कैप्टन मंगेश चौहान आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपनर बैट्समैन भेज दे। गेंदबाजी की शुरुआत हमेशा की तरह विशाल पांडे। फारूक बड्डी सर हमारे ऑफिशियल अंपायर उनका साथ दे रहे हैं। संजय सर, फारूक बड्डी सर बहुत आला दर्जे लेजेंड प्लेयर रहे, जब तक इन्होंने क्रिकेट खेला अब अंपायरिंग भी कर रहे हैं तो लेजेंडरी अंपायर। यस यहां पर विक्की चुड़ासमा बता रहे हैं कि इनकी गेंदबाजी बहुत तेज तर्रार थी, गोली की तरह तेज थी, हैरत अंगेज, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने इन्हें गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा। स्ट्राइक पर है किशोर बेरडिया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है रोहित। पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल पांडे, पहली गेंद और बहुत ही खूबसूरत गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर जड़ में रखा था। और आज बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि आमिर अंसारी उर्फ मार्कमीर प्लेइंग 11 का हिस्सा है और साथ ही साथ हंजला कुंगले भी आज प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं। और आज शहबाज शेख भी एक्शन में नजर आ रहे हैं, देखना है इरफान शेख इनामात कब लगाएंगे। इस बार जाने दिया किशोर ने अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। देखिए अगर शहबाज शेख ने डाइव लगाई गेंद को पकड़ने के लिए या बचाने के लिए किसी भी तरीके से डाइव लगाई तो 1000 रुपए का इनाम है इरफान शेख की तरफ से।
इस बार हवाई फायर, गेंद हवा में और वहां पे करण का सर रजनीकांत और भिवंडी, यूं ही नहीं मैंने रजनी और भिवंडी आउट हो गए। बल्लेबाज किशोर बेरडिया। पहला झटका लगा है किशोर बिरडिया के रूप में होम साइड टेमघर को। नए बल्लेबाज साहिल, देखने क्या झंझला कुंगले गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और आमिर अंसारी उर्फ मार्कमीर, आमिर अंसारी तो अपने हाथों को अब यही से खोलना शुरू कर दिया है। इंतजार है, टारगेट 43 रनों का है। नए बल्लेबाज साहिल, देखिए राकेश आके टकरा गए थे और बाउंड्री से कितने करीब थे करण का सर, उसके बावजूद भी उन्होंने कैच को फिनिश किया। यही कारण है कि मैं उन्हें रजनी और भिवंडी कहता हूं। लोअर फुल टॉस, जड़ में रखने की कोशिश। ये देखिए आमिर अंसारी एक ही बार में गेंद को आज पकड़ लिया इन्होंने। अच्छी फील्डिंग, लेफ्ट हैंड बैटर अब रोहित स्ट्राइक पर आए हैं। रोहित की अगर हम बात करें तो 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे दर्ज है। भादौड़ के ग्राउंड में ही लगाया था हरियन चषक 2022 में। सॉरी हाँ 2022 और 23। इस बार आगे रखा था हवा में लेकिन वहां पर थोड़े से रुक गए थे राकेश, वरना कैच बन सकता था। और रोहित का कैच छूटना, जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ सकता है अंजुमन को, क्योंकि अगर ये एक बार चले, देखिए वहाँ पर रिप्ले दिखाया जा रहा है, अच्छा स्ट्रोक था वहाँ पर लेकिन ताकत उतनी नहीं मिली। बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी राकेश ने लेकिन ये देखिए क्रूशियल मोमेंट पे थोड़ा सा रुके थे। इस बार जमीन इशारे से खेला है, वहां पर फिर से आमिर अंसारी, आज बहुत एक्शन में आ रहे हैं आमिर अंसारी और फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लगता है कल जब बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो उससे काफी जोश आया है और उस जोश के साथ उतरे हैं मैदान पर। रन बने हैं 5, पहले ओवर का खेल चल रहा है, विकेट गिरी है 1, रन गति पर अभी तक लगा कर रखा है विशाल पांडे ने ब्रेक। साहिल, इस बार लॉन्ग ऑन पर रजनी और भिवंडी, करण का सार बदल दिए आसार। एक पल के लिए एक हाथ से कैच पकड़ने गए थे लेकिन देखिए इरफान शेख, हम ये नहीं कह सकते कि वो तुक्का था जब इन्होंने एक हाथों से कैच पकड़ा था, क्योंकि मेगा फाइनल में 6 बॉल पे 5 रन चाहिए और आप कैच एक हाथ से पकड़ने जा रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है। 5 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका है हमसाइड टेमघर को। साहिल इनफॉर्म बैट्समैन आउट होकर डग आउट लौटते हुए। नए बल्लेबाज आई थिंक बॉबी रुतिक। ये देखिए इरफान शेख को इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इरफान शेख और फराजू इंटरनेट सेंसेशन, सोशल मीडिया स्टार, इंस्टाग्राम पे जिनकी रील्स मचाती है धूम। 300K 3 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स होने वाले हैं। नए बल्लेबाज आ रहे हैं रुतिक और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं हंजला कुंगले। अरफाज शेख भी सरप्राइज हो गए, आज हंजला कुंगले पर काफी भरोसा दिखा रही है अंजुमन स्पोर्ट्स। देखना है उस भरोसे पे क्या पूरी तरह से खरे उतरेंगे। लास्ट ईयर बहुत अच्छी गेंदबाजी थी हंजला कुंगले की, इस साल थोड़े से ऑफ कलर हैं लेकिन कभी भी वापसी कर सकते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट हंजला कुंगले, छोटी गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर आउट हो गए रोहित। हंजला का गुस्सा देखिए,
जो कल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, पहली गेंद पे गुस्से को जाहिर कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। ये देखिए वहां पर अकील खान बातचीत करने गए हैं। इस वक्त हंजला कुंगले से शहबाज शेख भी कुछ कान मंत्र दे रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं देखना होगा। न्यू बैटर आदर्श वागेला, लेफ्ट हैंड बैटर मुन्ना अंसारी ने पहले ही पूछ लिया था क्या लेफ्टी हो। मुन्ना अंसारी, माइटी मुन्ना, कैप्टन कूल मुन्ना, हर अंजुमन को इनकी बात पड़ती है सुनना। हंजला कुंगली छोटी गिनती वहां पर, खराब गिनती, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए रोहित। हंजला कुंगली अब आदर्श वागेला के लिए। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से काफी लंबा रन अप, 38 सर्कल के बाहर से स्टार्ट ले रहे हैं। ओ गुटलिंद पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम हंजला कुंगले की बात करें तो लास्ट ईयर से लेदर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। पहले दो बॉल में कोई भी रन नहीं दिए हंजला कुंगले ने। इस बार गति परिवर्तन, हंजला कुंगले आज अपने वेरिएशन दिखा रहे हैं और गेंद करने के बाद कहीं ना कहीं निगाहें मुन्ना अंसारी की तरफ है। देखिए जो हंजला कुंगले गेंदबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुन्ना अंसारी को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे भूलिए मत। ओ हो व्हाट अ डिलीवरी, क्या हंजला कुंगले मेडन वर करने जा रहे हैं। फिर से निगाहें मुन्ना अंसारी की तरफ की थी क्योंकि कल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे हंजला कुंगले, वो पूरा गुस्सा आज अपनी गेंदबाजी में दिखा रहे हैं। अब मुन्ना अंसारी के लिए दुविधा बढ़ती हुई, लेकिन आदर्श वागेला को बड़े हिट के लिए जाना होगा। इस बार किया है वार और अंपायर का इशारा, 6 रन। बिल्कुल वहां पर गिर गए थे विशाल पांडे, कैच तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा स्पोर्टमैन स्प्रिट वहां पर करण कासार, रजनीकांत और भिवंडी, उन्होंने तुरंत बताया कि 6 है। ये होता है एक जेंटलमैन सेंसिबल क्रिकेट, और ये सिखाता है हमें क्रिकेट के डिसिप्लिन यहाँ पर सबसे पहले है। देखिए ऐसा ही कुछ हमने देखा था जगदीश इलेवन के जयश से, 4 बॉल में 8 चाहिए थे, उन्होंने 6 कैच पकड़ा, उनका पैर बाउंड्री लाइन से टकराया, किसी को भी नजर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत बताया कि ये 6 है खुद। इस बार फिर से अच्छी वापसी, डॉट बॉल, जब अच्छी गेंद हो रही है मुन्ना अंसारी की तरफ निगाहें हैं। अब क्या अमीर अंसारी को भी गेंदबाजी मिलेगी। पहले 2 ओवर में रन बने सिर्फ 11, ऐसा लगता है सही नहीं है अभी तक ओम साई टेमघर के लिए नजारा। आज टीम में कासिम अंसारी भी नहीं नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी के लिए बादशाह को बुलाया गया है, देखना है बादशाह किस तरह गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है ऋतिक, बड़े हिट के लिए अभी ने जाना होगा। पहली गेंद वहां पर देखने क्या कुछ हुआ है, और शहबाज शेख ने गेंद को पकड़ा है लेकिन डाइव नहीं लगाई, वाइट बॉल। अगर डाइव लगाते तो 1000 रुपए थे, वाइट प्लस 1 13।
अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 12 बॉल में 30, 12 30 का इक्वेशन। युग गोहिल भी हमसे जुड़ चुके हैं, कुशल नानजी गोहिल के सन, उन्हीं की टीम इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है, कुशल नानजी गोहिल फैम टीम ओम साई टेमघर। देखना इस बार बाउंसर गेंद का इस्तेमाल किया था, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में गई है, वहां पर हंजला कुंगले कितनी लंबी दौड़ लगाकर पहुंचे, आज अलग लय में नजर आ रहे हंजला कुंगले, ये तो लग ही नहीं रहे कि वही हंजला कुंगले हैं जो इस साल गेंदबाजी कर रहे थे और फील्डिंग। इस वक्त लाइव मैच का मजा ले रहे हैं अरफाज शेख और कैफ शेख, शहबाज शेख के साहबजादे इरफान शेख के भतीजे, उन्होंने अपने चाचू के लिए ऑल द बेस्ट गाइस टूर्नामेंट को मुबारकबाद पेश की है। वेलकम अरफाज शेख और कैफ शेख, आप दोनों का भी तहे दिल से इस्तकबाल है, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह, इस के थ्रू लाइव टेलीकास्ट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना है प्लीज, मुन्ना अंसारी पहली गेंद, बादशाह गेंदबाजी करेंगे आदर्श वागेला को, राइट आर्म राउंड द विकेट, पैरों पर थी, भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पे, ओम साई टेमघर ऑन फायर, गेंद मैदान के बाहर। इस सिक्सर की मदद से देखने कुल रन बने हैं 21। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 22। क्या पूरी हो जाएगी हमसाई टेमघर की ख्वाहिश, क्योंकि रन चाहिए 22। दस 22 का इक्वेशन, आप देख रहे हैं इस वक्त अमान ट्रॉफी 2024, गुलाम साबिर वन मैन शो, इरफान शेख और फलक फाउंडेशन अमान स्पोर्ट की ये पेशकश। देखिए मोटर्स क्लब में शॉपिंग करना ना भूले, क्योंकि मोटर्स क्लब के लक्की ड्रॉ का सीजन चालू है, अगर इस साल भर में आप 24 दिसंबर तक शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को मोटर्स क्लब की तरफ से लकी ड्रॉ जीतने का पूरा मौका मिलेगा। लकी ड्रॉ के जो प्राइज है मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो फर्स्ट प्राइज है लकी ड्रॉ का वो है करिश्मा ZMR, सेकंड प्राइज है स्प्लेंडर प्लस, थर्ड प्राइज है स्कूटी, फोर्थ प्राइज है 5 ग्राम गोल्ड, 5 ग्राम सोना, और पांचवा इनाम है जो फ्रिज आपके पानी और फलों को रखेगा ताज़ा, छठा इनाम है वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को फ्रेश, सातवां इनाम है ओवन कभी भी खाना करे गरम और कुछ भी पकाएं पिज्ज़ा, आठवां इनाम है टाइटन वॉच आपका टाइम जो बहुत अच्छा बताएगी, नौवां इनाम है मिक्सर कभी भी जूस और मसाले आपको तैयार किए जाएंगे, और दसवां इनाम है सीलिंग फैन, एक फैन जो आपको पहुंचाएगा ठंडी ठंडी हवा। ये 10 इनाम मिलने वाले हैं लकी ड्रॉ में, तो जाइए बाइक स्कूटी किसी भी तरीके का व्हीकल परचेस करिए और मौका पाइए। और इस बार क्लीन बॉल, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम बारी कभी हम बारी, लेकिन कै संसारी और अमान ट्रॉफी सब पे भारी। दूसरा झटका लगा, दूसरा नहीं चौथा झटका था आदर्श वागेला के रूप में,
और अब बल्लेबाजी को सोनू, राइट हैंड बैटर है सोनू, राइट हैंड बैटर है सोनू, बल्लेबाजी के लिए आए हैं, देखने क्या कुछ करेंगे। जीत के लिए अब 9 बॉल में 22 रन चाहिए। बादशाह की अच्छी गेंद वहां पर, देखिए सोनू के पास ये काबिलियत है कि ये बड़े हिट आसानी से लगा सकते हैं और इसी मैदान पर हमने उन्हें काफी लगाते हुए देखा है। ये देखिए आते ही साथ बहुत गजब का हिट लगाया है सोनू ने, शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। कितने रन बने कैस? 27 है, 27। देखिए हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड की विकेट पे आप गुड लेंथ पर बॉल नहीं कर सकते, अगर आप गुड लेंथ पर गेंद कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा गति होनी चाहिए। विकी चुड़ासामा उर्फ अमारी काफी जोश में नजर आ रहे हैं। सोनू, इनके पास पूरी काबिलियत है। इस बार फुल टॉस और गैप में एक और चौका लगाया मौके पे, चौके की मदद से टोटल रन बन गए 31, 31। यस, आई नो इरफान शेख का पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था कि पुमसाई टेमघर के पास बहुत अच्छा मौका है सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने के लिए, और सोनू ने आकर उस मौके को और भी ज्यादा भुना दिया है। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 12। सोनू ने 2 बॉल में 10 लगाकर बदल दिया नजारा। बादशाह राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार डीप मिड विकेट पर राकेश मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, रन आउट का मौका हो गया वहां पर ऋतिक, रन आउट। थैंक यू डीजे। 6 में 11, देखने शाम में किसको नजर आएगा तारा। और अब बल्लेबाजी को कौन जा रहा है? मंगेश चौहान, एक बहुत अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर मंगेश चौहान। छ 11, व्हाट अ मैच। सोनू ने आकर इस मैच को कहीं ना कहीं हल्का सा झुका दिया हमसाई टेमघर की तरफ से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इनके पास काबिलियत है। गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया गया है? रजनी ऑफ भिवंडी, करण कासार। अभी जो खतरे की घंटी है अंजुमन के लिए वो है सोनू। कितने विकेट गिरे हैं? 5। आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। 6-11 का इक्वेशन है। छ बॉल 11 रन, करण कासार, रजनी ऑफ भिवंडी। गेंदबाजी बहुत कम करते हैं, आज बहुत क्रूशियल मोमेंट पर इन्हें गेंदबाजी मिली है। 6 बॉल में 11 रन, क्या करण कासार बनेंगे हीरो या फिर सोनू मैच को एक तरफा ले उड़ेंगे? पहली गेंद, अपील और आउट, सोनू खुद निकल गए थे। ये होता है एक बड़ा प्लेयर।
खिले या ना खिले, लेकिन हर कोई चैलेंज स्पोर्ट के ग्राउंड पर आपको जरूर मिलेगा जो कोई क्रिकेट से प्यार करता है, क्योंकि अमान ट्रॉफी से आप कैसे दूर रह सकते हैं। बल्लेबाजी को सुजल को भेजा गया है, रफ्तार के सौदागर, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर आना बनता था मंगेश गन्नारा का। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंड बैटर भी हैं, और चैलेंज ग्राउंड पर हमेशा थोड़ा सा एडवांटेज होता है मंगेश गन्नारा का। पांच बॉल 11 रन, करण कासा राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं करण कासार, जबरदस्त डॉट बॉल। 4-11 बदल गया नजारा, इसी का नाम तो क्रिकेट है। पहले लग रहा था कि हमसाई टेमघर फेवरेट हो गई है जब सोनू बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट हुए, अब यकायक ऐसा लग रहा है कि अंजुमन फेवरेट नजर आ रही है। लेकिन मंगेश चौहान अगर स्ट्राइक पर आते हैं तो अभी भी पिक्चर बदल सकती है। लोअर फुल टॉस हवा में है, वहां पर मुन्ना मौजूद और आउट हो गए सुजल। बच्चे ग्राउंड में आकर डांस कर रहे हैं, आप लोगों को बाहर जाना है। कल मेगा फाइनल के बाद आकर जितना जश्न मनाना होगा मनाइएगा, अभी थोड़ा सा रुके। बल्लेबाजी को अब मंगेश गन्नारा, पहले 3 बॉल में कोई भी रन नहीं और 2 विकेट। लेफ्ट हैंड बैटर मंगेश गन्नारा, क्या अभी भी मैच को पलट सकते हैं? 2022 हरिओम चषक में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी हरिओम ए के सामने, क्या आज अंजुमन के सामने 2 बड़े हिट लगा सकते हैं? लेकिन करण कासार क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए रजनीकांत और भिवंडी, यूं ही नहीं मैं कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हम साउथ की मूवी में देखते हैं रजनीकांत एक्शन में कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह करण कासार क्रिकेट में कुछ भी कर सकते हैं, फील्डिंग बैटिंग आज बॉलिंग मिली उसमें भी। पहली गेंद बहुत अच्छी थी वहां पर रोहित मंगेश गन्नारा के सामने, मौका नहीं था उनके पास बैकलीफ को ऊंचा करने का। 2 में 10 उम्मीदें सारी मंगेश चौहान पर। देखिए मंगेश चौहान गेंदबाजी में काफी बड़े मुकाबले जिताए हैं अपनी टीम को, आज बल्लेबाजी करके टीम की नैया को पार लगाना होगा। 2 बॉल 10 कौन कहेगा अब बस। मंगेश चौहान ये कारनामा कर सकते हैं 2 में 10 बनाने का। करण कासार मंगेश चौहान के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में और 6 रन। मैंने कहा था जे 1 बॉल में 4 फिर से बदल गया विचार। ये है अमान ट्रॉफी, ये है अमान ट्रॉफी। इरफान शेख, गुलाम साबिर, अमान स्पोर्ट फलक फाउंडेशन का बिग शो।
यहाँ पर कभी भी कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता। इस सीजन में अभी तक गोल्डन बाउंड्री नहीं लगी है। मुन्ना अंसारी प्लीज कोऑपरेट करना है। क्या पहली गोल्डन बाउंड्री लगाएंगे मंगेश चौहान? एक में चार चेसिंग कंपलसरी है। बाउंड्री आएगी तो मैच जीत जाएगी। ओम साई टेमघर। एक में चार बदल दिया है मंगेश चौहान ने सभी का विचार। मुड़े फिल्टर्स और मैच को जीत लिया है ओम साई टेमघर ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन।